नमस्कार, मैं विश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए शनिवार का दिन भावनाओं से भरा रहा होगा। उनकी कप्तानी में झुलन गोस्वामी अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला तेज गेंदबाजों में शुमार हैं। झुलन ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। उन्होंने सीरीज के इस तीसरे और आखिरी वनडे में 2 विकेट भी झटके। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वे 1990 से ही बीजेपी के सफाया में लगे हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। दरअसल कल पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने कहा था कि 2024 में बीजेपी का देश से सफाया हो जाएगा। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाया गया है। 6 सप्ताह पहले अगस्त में भी वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोरोना संक्रमण की जानकारी अल्बर्ट ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि मैं ठीक हूं और स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी के सामने 13 सवाल रख दिए हैं, जिसका अब जवाब मांगा गया है। ललन सिंह ने हमले के अंदाज में कहा है कि बौखलाइए मत, 2024 में पता लग जाएगा कि आंसू बहाने के लायक भी नहीं रहिएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए 3 मुल्कों जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के दौरे के लिए मंजूरी न देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हरियाणा में फतेहाबाद में दिवंगत चौधरी देवीलाल की जयंती है, जिस पर इंडियन नेशनल लोक दल की रैली में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मैं दिल्ली जा रहा हूं। भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा भारत रखता था, लेकिन उसने गुलामी में सब कुछ खो दिया। अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर प्रतिबंध की कवायद वर्ष 2017 से चल रही है, लेकिन अभी तक उसे प्रतिबंधित नहीं कर पाने की एक बड़ी वजह एजेंसियों का एकमत होना नहीं है। इस बार विभिन्न एजेंसियां समन्वित और संयुक्त तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, भारत ने अपनी डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने एक दिन में 27 लाख से अधिक रिकॉर्ड के साथ 1 करोड़ डिजिटल रूप से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पार किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 के प्रमोशन में बिजी हैं। ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपने आने वाली फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 के प्रमोशन में बिजी हैं। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक की जोड़ी ने मुकाबले में नडाल और फेडरर को 4-6, 7-6, 11-9 से हराया। साथ ही फेडरर ने हमेशा के लिए टेनिस को अलविदा कह दिया है। मैच खत्म होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वह भावुक करने वाली थी। मैच के बाद फेडरर के साथ साथ नडाल और बाकी खिलाड़ी भी रोते हुए नजर आए। हर किसी को फास्ट इंटरनेट सेवा 5G का बेसब्री से इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द करोड़ों भारतीयों के इस इंतजार पर विराम लगने जा रहा है। अगले महीने यानी अक्टूबर की 1 तारीख को देश में 5G इंटरनेट सेवा का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G इंटरनेट सेवा को लॉन्च करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में हुई गिरावट पर कहा कि डॉलर के मुकाबले अगर आप दूसरी मुद्राओं की तुलना करेंगे तो रुपए की स्थिति काफी बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने आगे की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय रुपए पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता देने पर जोर दिया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत का प्रबल समर्थन किया है। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में इस संदर्भ में भारत की स्थायी सदस्यता की सिफारिश की है। भाजपा नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि TMC के 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने पहले जो भी कहा था वे उसके आज भी उसी बात के साथ खड़े हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज एक बार फिर कह रहा हूं कि TMC के 21 विधायक मेरे संपर्क में हैं और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा।
नागपुर में जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने वाली टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है। ऐसे में पिच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। नागपुर मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी ने टीम इंडिया की गेंदबाजी के विकल्प को मजबूत जरूर किया है। जाने माने विचारक दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। वहीं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर को ही 1914 में हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। दोनों भारत की राजनीति में अमर नाम है। सलमान खान अपने शो बिग बॉस के 16वें सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में बिग बॉस शुरू होने जा रहा है। शो के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं जिन्हें देखकर फैंस के एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बिग बॉस का नया सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस सीजन का प्रसारण कलर्स टीवी पर होने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक ने नवरात्रि से पहले स्नातकों के लिए हजारों नौकरियों का विज्ञापन जारी किया है। स्नातक उम्मीदवारों के लिए 5008 कलर्क पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू करने के बाद अब 1673 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ पदों पर भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी करते हुए अप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। AIMIM के सुप्रीमो और RSS के प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली के एक मदरसे के हालिया दौरे की आलोचना की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा और RSS अब एक नया ड्रामा कर रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में गए जहां उन्होंने कुरान सुनी और मदरसे के छात्रों से मुलाकात की। मीडिया ने इसे खूबसूरती से रिपोर्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खासकर इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने के लिए कई फायदों के बारे में आपने पढ़ा और सुना जरूर होगा। इस बीच ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब इनकम टैक्स में भी इसको लेकर रिबेट दे रही है। अगर आप ईवी खरीदते हैं तो आपकी बड़ी बचत होने जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली CUET PG परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल इस परीक्षा का रिजल्ट कल यानी 26 सितंबर 2024 को शाम को 4 बजे जारी कर दिया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,777 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,68,114 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में COVID-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,994 पर रह गई है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय जैविक प्रमुख और 2019 में जैविक कृषि में भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुकुम चंद पाटीदार पश्चिम राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के एक आदमी एक पद के सिद्धांत के कारण अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनने के बाद CM पद त्यागना पड़ेगा, ये बात भी लगभग तय हो चुकी है। जयरोधा प्रमुख नितिन कामत ने नई पहल में कर्मचारियों के लिए एक नया फिटनेस चैलेंज सेट किया है ताकि उनके कर्मचारी वर्कआउट एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए समय निकाले। इसके तहत कंपनी ने चैलेंज पूरा करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस और 10,00,000 रुपए का मोटिवेशन अवार्ड देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात को संबोधित किया। यह मन की बात का 93वां संस्करण है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत चीता प्रोजेक्ट से की। पीएम मोदी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारत का प्रकृति प्रेम दर्शाता है। पीएम ने बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि हमें चीते देखने का मौका कब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोगों ने सवाल किए हैं कि उन्हें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीतों के लिए एक टास्क फोर्स बनी है, यह देखेंगी कि चीते यहाँ के माहौल में कितना घुल मिल पा रहे हैं। इसके बाद भी आम लोगों को चीतों को देखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। इसमें फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। देश भर में 2 साल के भीतर 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में 5G दूरसंचार सेवाएं बहुत जल्द शुरू की जाएंगी और सरकार का लक्ष्य 2 साल के भीतर पूरे देश को कवर करना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, आदर्श, के सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, मिन्हाज शेख, मुचू रंगीला, अभय कुमार सिंह, उदय कुमार और सदानंद सोरेन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारतीय किसानों की स्थिति और भी बेहतर हो इसके लिए केंद्र सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।